गट्टू और चिंकी घर में धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं। दोनों सोफे के आगे पीछे पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे होते हैं। गट्टू थोड़ा तेज दौड़ता है, जिस वजह से चिंकी उसको पकड़ नहीं पा रही होती है। कितना भी तेज दौड़ लो गट्टू, तुमको पकड़ ही लूंगी मैं। आखिर जाओगे कहाँ पर? नहीं पकड़ पाओगी, तुम्हारे पाँव मुझसे छोटे हैं, तुम्हारी स्पीड भी मेरे जैसी नहीं है। चिंकी भी मुंह चिढ़ाकर वापस जवाब देती है। मैं पकड़ लूंगी तुमको। तो क्या हुआ, मैं धीरे धीरे दौड़ती हूँ। पापा उन दोनों को पास में बैठकर देख रहे होते हैं और उधर मम्मी रसोई में खड़ी खड़ी ये सब देखकर बोलती है। अरे धीरे धीरे दौड़ो तुम दोनों, किसी को चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे पापा ने तुम दोनों को सर पे चढ़ा दिया है, मेरी तो सुनते ही नहीं हो तुम। अरे बाबा, मेरा नाम बीच में क्यों घसीट रही हो? बच्चे हैं, अभी नहीं तो कब खेलेंगे कूदेंगे? स्कूल का होमवर्क भी कर लिया है, इतनी धमा चौकड़ी तो बनती है। ये बोलते बोलते वो गट्टू को आंख मारते हैं। चिंकी भी स्माइल कर देती है। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा, आप दोनों खेलते रहो। मम्मी डांटेंगी। अरे मैं हूँ ना। दोनों लगातार फिर से सोफे के चारों तरफ घूम ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। गट्टू चिंकी देखो तो जरा दरवाजे पर कौन आया है। हाँ बेटा देखो जरा, पहले दरवाजा खोलो, इस टाइम कौन आया है। गट्टू भागकर दरवाजा खोलता है तो सामने पड़ोस की दादी मम्मी से मिलने आती है, जो कि बंटी की दादी भी है। गट्टू उनको देखते ही जोर से बोलता है, हेलो दादी। कौन आया है बेटा? बंटी की दादी आई है। मम्मी ये देखकर गुस्सा करती है और कहती है, अरे तो वो तुम्हारी फ्रेंड थोड़ी है, दादी है, उनके पाँव छूकर प्रणाम करो। हेलो दादी क्या बोल रहे हो, चिंकी तुम भी दादी के पाँव छुओ। गट्टू चिंकी दोनों दादी के पाँव छूते हैं। प्रणाम दादी। अरे खुश रहो तुम दोनों, खूब पढ़ो लिखो, तरक्की करो। घर में जब कोई मेहमान आए तो उन्हें अंदर बुलाते हैं बेटा। अरे बहू इनको क्यों डांट रही हो, ये छोटे हैं दोनों, धीरे धीरे समझ जाएंगे। वो बात नहीं है आंटी जी, लेकिन मैनर्स तो अभी से सिखाने पड़ेंगे ना। हाँ हाँ वो बात तो सही है, मेरा आशीर्वाद तो वैसे हमेशा दोनों बच्चों के साथ है, जैसे मेरा बंटी वैसे ये दोनों। खुश रहो बच्चों, बात तो सही है तुम्हारी, बच्चों को मैनर्स अभी से सिखाने होते हैं। खैर मैं तुम सबको बुलावा देने आई थी, परसों हमारे घर पर सत्यनारायण की कथा है, सब जरूर आना। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? रुकिए बैठिए ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं, बाकी घरों में भी जाना है, फिर कभी फुर्सत से बैठूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। मम्मी दोनों को अपने पास बुलाती है। बेटा हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, समझे? अगर बंटी भी आए तो उसको भी ऐसे ही स्वागत करना है। वो आपका दोस्त है, आपका क्लासमेट, आपकी और उसकी एक ही उम्र है, लेकिन उसको भी आपको हेलो हाय करना चाहिए। सुबह मिलो तो गुड मॉर्निंग, शाम को मिलो तो गुड इवनिंग। अच्छा क्या हमको पापा को भी सुबह उठते ही हाय कहना चाहिए? हाँ बेटा ये सब गुड मैनर्स में आते हैं। आप दोनों राजा बेटा हो ना मेरे, अच्छे बच्चे, इसीलिए हमेशा गुड मैनर्स फॉलो करना। स्कूल में भी जब टीचर्स मिले तो उनको ग्रीट करना, बाकी बच्चों को हैंडशेक। मम्मी ये गुड्डी तो आधा टाइम मुझसे लड़ाई करती रहती है, मैं उसको नहीं बोलूंगी हाय। ऐसा नहीं बोलते चिंकी, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना। देखो जब भी कोई क्लोज हो तो उसे सॉरी या थैंक यू बोलने से परहेज नहीं करना चाहिए। वो कैसे मम्मी? अच्छा लेकिन मम्मी स्कूल में हेड मैडम के भी पाँव छूने हैं क्या? पापा जो कि इतने देर से सब सुन रहे होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, बेटा उनको आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून टाइम के हिसाब से बोलना, वो स्कूल में है ना इसलिए। ओके पापा। अगले दिन दोनों स्कूल जाते हैं और पापा मम्मी के कहे अनुसार सबको ग्रीट करते हैं। हेलो गुडी, आई एम सॉरी मैंने तुमसे लड़ाई की। तुमने सॉरी बोला चिंकी? हाँ मम्मी ने कहा है सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम नाराज होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन चिंकी गलती तो मेरी थी, सॉरी तो फिर मुझे बोलना चाहिए था। ये बोलते बोलते वो रुक जाती है। आई एम सॉरी चिंकी, आज से तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी, मैं कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी।
दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। तभी क्लास में टीचर आती है। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैनर्स की क्लास करेंगे। आप लोग क्या जानते हो मैनर्स के बारे में, कौन बताएगा? तभी चिंकी हाथ खड़ा करती है। हाँ चिंकी, बोलो। बड़ों के हमेशा पांव छूने चाहिए, वो जब घर आए तो उनको पानी मिलाकर चाय नाश्ता भी पूछना चाहिए। अगर दोस्त हो तो सबको हेलो हाय हग करना चाहिए। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं। देखा बच्चों, सुना सबने चिंकी क्या कह रही है? क्लास के सभी बच्चे एक आवाज में बोलते हैं, यस मिस। और हाँ, सुबह जब किसी से मिलो तो उसको गुड मॉर्निंग दोपहर 12 बजे तक, उसके बाद दिन के समय सबको आप गुड आफ्टरनून कह सकते हो, क्योंकि तभी आफ्टरनून का टाइम हो चुका होता है। मैडम, सबको इवनिंग किस टाइम पर बोले? वैसे तो शाम को ही बोलना होता है, जब सूरज ढलने वाला हो, क्योंकि उसके बाद तो रात हो जाती है। और हाँ बच्चों, रात में सबसे आखिरी ग्रीटिंग गुड नाइट बोला जाता है। मैं अपने मम्मी पापा को गुड नाइट बोल कर ही सोती हूँ मिस। वेरी गुड चिंकी। और बाकी बच्चे? हम सब भी मिस। वाओ, कितनी अच्छी और सिंसियर क्लास है मेरी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। गट्टू और चिंकी घर आ जाते हैं और तैयार होकर बंटी के घर जाते हैं। गट्टू भागकर दादी के पांव छूता है। दादी प्रणाम। अरे खुश रहो तुम दोनों, खूब पढ़ाई करो, तरक्की करो। मम्मी गट्टू और चिंकी को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। तभी पापा आकर कहते हैं, थैंक यू, तुमने दोनों बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।